जो हरदम भविष्य की चिंता करता है मेरा कल क्या होगा, वह तमोगुणी वृत्ति है, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। शतोगुणी वृत्ति होता है, शतोगुणी यही वृत्ति जो है सबसे शतोगुणी वृत्ति वाला क्या कहता है, आकि जो हमको गुरु जी के या गोविंद के कृपा से जो काम करने का अवसर मिल गया है, मौका मिल गया है, उसलिए मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इसके लिए मुझे तो उपयुक्त समझ लिए, यह शतोगुणी, यह शतोगुणी वृत्ति होता है। कभी नहीं कल के लिए सोचेगा, न पीछे के लिए सोचेगा, वह न भविष्य में जाएगा न अतीत में जाएगा, वह वर्तमान में रहेगा। इतना के लिए हमको उपयुक्त समझ लिए, कम बात है क्या? दूसरा उसका कहेगा, जो उसका तमोगुणी मित्र रहेगा कहेगा, अरे पगले कल क्या तुम्हारा होगा, कल का तो सोच, कहे कल किसने देखा है, आज मैं इस काम के लिए उपयुक्त हूं, आज मैं हमको यह काम का मौका दिया है, इसलिए मुझे आज का जो अवसर मुझे मत हटने दो, आज मुझे जी जान से लग जाने दो, काम कर लेने दो, कल तुम अपने पास रख लो। यह सतोगुणी व्यक्ति, असतोगुणी व्यक्ति हरदम सफल हो जाता है। रजोगुणी व्यक्ति दो पेंडुलम में चलता है, इधर से उधर, उधर से उधर। तमोगुणी आदमी हरदम अपना भविष्य सोचता है, शतोगुणी आदमी वर्तमान में रहता है और वर्तमान में रहकर कहता है कि बस 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 बस, जो हमको काम दे दिया गया मैं उससे प्रसन्न हूं, आई एम टू मच सेटिस्फाइड। अभी इतना मैं कर रहा हूं, कम है क्या? कम है और मैं कर। तो देखो यह बात अष्टावक्र जी कह रहे हैं, जैसे दुर्योधन देखो तमोगुणी व्यक्ति है, वह जो है इनका राज हस्तिनापुर को छीन लिया, हड़प लिया ना झूठ बोलकर, फिर कहता है कि हस्तिनापुर तो हम आज ले लिए हैं, कल लड़ाई करके युद्ध करके फिर वापस कर लेगा, तब मैं क्या करूंगा, भविष्य की चिंता। तब जंगल में जो आज चल गया है, चलो जंगल में मारते वहीं पर खत्म हो जाए, भविष्य की चिंता। अरे अभी तुम वर्तमान में मिला है, अभी तो भोग ना, और चला जाता है जंगल में, जहां पांडवों का शिविर है वहीं पहुंच जाता है। संयोग से वह देखो, तुमने यह सुना होगा कथा, मैं कथा नहीं कह रहा हूं कि वहां पर जो है जक्षों का भी कैंप है और जक्षों की लड़कियों से हरकत करता है, और जक्ष जो है सबको बंधक बनाकर ले जाने लगते हैं ऊपर, चक बदमाश बेहुद्दा अकरण छोड़कर भाग जाता। इसे महाभारत में सुना होगा, लेकिन चल दिया। दुर्योधन का मंत्री सहायक दौड़ कर जाकर के पांडवों के यहां कहा, तो भीम भी देखो तमोगुणी था, हंसा, जैसा को तैसा मिला, मिला सुन को सुन, ठीक है गया तो गया। शतोगुणी थे धर्मराज युधिष्ठिर, कहा कि भीम युद्ध मेरा, झगड़ा मेरा और दोनों भाइयों के बीच में है, यक्ष क्यों बीच में आ जाएगा, यक्ष मेरे भाई को यदि तंग कर रहा है, बदनाम कर रहा है, तो मैं भी तो बदनाम हो रहा हूं, युधिष्ठिर का भाई है, अभी तुझे जाना होगा। यदि तुम दोनों भाई गांडीवधारी अर्जुन और तुम नहीं जाते तो बैठो, मैं जा रहा हूं। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना तलवार धनुष मां उठाया चल दिए, तब अर्जुन और भीम दौड़े और यक्षों से युद्ध किए और सीढ़ी बनाए ठीक उतर के जहां धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हैं, जाकर प्रणाम तो करो। सीढ़ी से उतरा लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर को देखा था, प्रणाम, बड़े भाई प्रणाम तो करना चाहिए। आकर भीम कहे कि देखा भैया, बोला कुछ प्रणाम किया छोटा, कहा उसका अपना कर्म वो जाने, मैं अपना कर्म जानता हूं, मैं बड़ा भाई हूं, कौरव पांडव दोनों का बड़ा भाई हूं, बड़ा भाई का जो कर्तव्य होता है मैंने किया, तुम क्यों कॉम्पिटिशन कर रहे हो उसे। देखो शतुगुणी आदमी दे रही, नो कॉम्पिटिशन, कोई कंपटीशन, कोई स्प्रिहा नहीं। अष्टावक्र कह रहे हैं, देखो ये हम जो आप बोल रहे हैं सात दिन कहेंगे, वो अपने जीवन में उतार लो, और जब उतार लेगा, उसको उतार लेने से जनक जो है विदेह बन गए, तुम जो है बिना साधना किए, साधना किए तुम विदेह बन सकता है, उतार लो। क्यों ज्यादा भूत का सोच रहा है, भविष्य का सोच रहा है, हमारे को फलाना दिन या गाली दी है, मैं इनको ठीक करके रहूंगा। अरे यार गाली दिया गया,
अच्छा हमारा भविष्य क्या होगा, हाथ दिखाते चलता है वर्तमान में। देखो भविष्य की दुर्योधन हरदम सोचता था, रहा धर्मराज कोई गद्दी दी गई, इसलिए तुम हरदम यह सोचो, वर्तमान की सोचो, वर्तमान में रहो, वर्तमान का हो जाओ। आगे कहते हैं स्प्रिहा बहुत बड़ा महल है, दूसरे का छीन लेना चाहता है दुर्योधन, दूसरे का छीन लेना चाहता है, महल चाहिए दूसरे का छीन लो, पत्नी चाहिए दूसरे का छीन लो, रावण ने छीन लिया। स्प्रिहा मैंने जलन, धन चाहिए दूसरे का छीन लो, चोरी करो डकैती करो छीन लो। यह आदमी अस्थाई नहीं रहता है, इसलिए कहते हैं कि यह कर्तापन का बोध है, कर्तापन का संघर्ष है, कला। मनुष्य जात के इतिहास में यह स्प्रिहा जो है करने वाला आदमी सबसे बड़ा जो है मनुष्य जात के इतिहास में कौन रहा है, तैमूर लंग, चंकेज खां, सिकंदर, नेपोलियन, स्प्रिया वाला है ना। क्या हुआ इनका सबका देख लो, चंकेज खां, तैमूर लंग, नेपोलियन, क्या हुआ, किसी से कोई जलन नहीं, ईर्ष्या नहीं। शतकोणी आदमी क्या करेगा, कहा कि आज मुझे गुरुजी गोविंद का आदेश हुआ यह काम करने के लिए, कल क्या होगा, यही विधि राखे राम तही विधि रही है, राम राम कही है छोड़ कर की बात, जैसे परमात्मा रख लेगा वैसे मैं रह जाऊंगा, जो परमात्मा मुझसे काम कराना चाहेगा मैं कर लूंगा, हमला खत्म। यही है सतुगुणी वृत्ति भारत का। यदि अभी परमात्मा हमको गुरु और गोविंद की कृपा से हमको अभी भोजन मिल रहा है, अभी हमको दे रहा है, तो कल भी देगा, क्यों चिंता कर रहा है, अभी मेरा काम चल रहा है तो कल भी चल जाएगा। लेकिन तमोगुणी आदमी नहीं सोचता है, रिजर्व रखना चाहता है, रिजर्व।